फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स योर ट्रिक एलिजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फाजिल खान। आज मैं आपके लिए लाया हूं सम इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ हिंदी ग्रामर। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था यूज़ का, जो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप फ्रेंड्स देख लें और बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और देखिए, मैं आपको इसमें तीन यूज़ बताऊँगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, यूज़ ऑफ सच एज नोट, इसमें मतलब सच एज का हम कब यूज़ करेंगे। ऐसा जैसा जिसे के आए तो वहाँ पर सच एज लगाते हैं। जैसे यह ऐसा पेन है जिसे कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। लाइक यह ऐसा पेन है जिसे कोई नहीं खरीद सकता। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल है। तो मतलब क्या लगाएंगे इसको, सबसे पहले दिस और इज़, ठीक है। यह है, ठीक है, सच मतलब ऐसा, और पेन यह है ऐसा पेन, एज जैसे जिसे, ठीक है। कांट बी बाट, कोई नहीं खरीद सकता। कांट मतलब नहीं खरीद सकता, बी कोई, बाट कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसे फल खरीदो जो मीठे हों। तो ऐसे फल, तो दिस इज सच अ फ्रूट्स एज वी एज आर बाय स्वीट्स, मतलब ऐसे फल खरीदो जो मीठे हों। दिस इज सच फ्रूट्स, ऐसे फल खरीदो एज जो आर हों बाय, मतलब ऐसे फल खरीदो जो मीठे हों। फ्रूट्स फल खरीदो जो मीठे हों, मतलब दिस इज सच फ्रूट्स एज और बॉय स्वीट्स, ऐसे फल खरीदो जो मीठे हों। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में विल प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव एंड अदर कॉमन स्टडी वीडियो भी डालता रहता हूँ, और इसमें मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और इंग्लिश सम इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ इंग्लिश और स्पोकन सेंटेंसेस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। देखिए कम वर्ड में यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है फ्रेंड्स। यूज़ ऑफ कम वर्ड में नोट पॉइंट, चाहे कुछ भी हो और चाहे जो भी हो, अगर जिन सेंटेंसेस में आए तो उसमें कम वर्ड में का हम यूज़ करेंगे। जैसे फ्रेंड्स देखिए इस वाला, चाहे कुछ भी हो तुम आधे पागल हो। हम लोग कॉमनली बोल देते हैं अपने फ्रेंड से, या कुछ भी हो बोलते रहते हैं, कोई बात हो जाती है तो चाहे कुछ भी हो तो लगा लेंगे कम वाट में, ठीक है। और सर कहें यू आर हाफ माइंडेड, तुम आधे पागल हो। देखिए चाहे कुछ भी हो हम तुमसे नहीं बोलेंगे, कम वाट में वी शैल नॉट स्पीक यू, ठीक है। और देखिए, चाहे कुछ भी हो तुम कपड़े निचोड़ोगी, मतलब फोर्स करें यहाँ पर है, तो कम वाट में यू विल सिक्योर द क्लोथ, मतलब शैल भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स करने पर विल लगाएगा यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें मार दूंगा, कम वर्ड में आई शैल किल यू। देखिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल, ये वाला, इस वाले में यूज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए बहुत अच्छा यूज़ है ये वाला। देखिए नोट पॉइंट, जिन वाक्यों में दिक्कत मुसीबत परेशानी जी का जंजाल झंझट आदि शब्द आए, जैसे मतलब मुसीबत हो जाए या दिक्कत परेशानी कुछ भी ऐसा वाला वर्ड आपको दिखे, तो आप इट इज़ हैजल टू से उस सेंटेंस को बना दें। फिर मलाई वाला दूध पीना एग्जांपल इसकी ये है। देखिए सेंटेक्स मतलब बनाने की विधि, इट इज़ हैजल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मलाई वाला दूध पीना जी का जंजाल है, इट इज़ हैजल टू, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अ क्रीमी मिल्क, ठीक है। देखिए सर नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, किसी को समझना जी का जंजाल है। तो किसी को समझना यानी इट इज़, ठीक है, इट इज़ हैजल टू, ये वाला ले लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड मेक अ समवन। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला वीडियो में मैंने तीन यूज़ डाले हैं, और आने वाले वीडियो में मैं इसके पार्ट वन डाल चुका हूँ, पार्ट टू ये वाला है, और पार्ट थ्री पार्ट फोर में भी मैं तीन तीन करके डाल, सब जितने भी यूज़ हैं मेरे पास वो सब मैं यूज़ डाल दूंगा, और आप लोग इसे देख लें। और ये यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर इट्स वीडियो।